बच्चों, कक्षा 7वीं में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो बच्चों के लिए पत्र लिखा था 27 दिसंबर 1950 को, इस पाठ की हमने क्या की? पढ़ाई की। अब हम इसके आगे की जानकारी लेंगे, जैसे शब्दार्थक, फुर्सत, अवकाश, खाली समय, एकांत, जहाँ कोई न हो, सूना स्थान, मेधावी यानी प्रतिभाशाली बच्चे, कौतूहल यानी जानने की उत्सुकता, वन्य यानी जंगली वाइल्ड एनिमल, अनंत काल यानी सदा शाश्वत रहने वाला। टिप्पणी, विशेषांक के बारे में यहाँ पे टिप्पणी दी गई है। विशेष अंक, किसी पत्र पत्रिका का वह अंक जो किसी विशेष अवसर पर उपयुक्त सामग्री के साथ प्रकाशित किया गया है, जैसे दिवाली अंक प्रकाशित किया जाता है, मार्ग संगम नाम के स्कूल संस्था के नाम से प्रकाशित किया जाता है, उसी प्रकार। अब पाठ बोध रूपी प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर दे। मौखिक प्रश्न, पहला प्रश्न को, यह पत्र किसने किसको कब और क्यों लिखा है? यह पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 27 दिसंबर 1950 को बाल विशेषांक के लिए, बच्चों के लिए उन्हें कुछ लिखना था, उनके लिए लिखा था। ख, पत्र के लेखक परेशान क्यों है? पत्र के लेखक इसलिए परेशान है क्योंकि वे मानते हैं कि छोटे से जेल से निकलकर कार्यालय के बड़े जेल में प्रवेश किया है। मेरे पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता मुझसे छीन सी गई है। कार्यालय में काम करने की वजह से उनके समय नहीं दे पा रहे, इसलिए वे कहते हैं कि कार्यालय एक बड़ा जेल है, वहाँ पर काम करने की वजह से मैं बच्चों के लिए जो लिखने का समय नहीं दे पा रहा हूँ। आगे, ग, लेखक बड़ी जेल किसे और क्यों कह रहे हैं? लेखक कार्यालय को बड़ी जेल कह रहे हैं क्योंकि कार्यालय में काम करने के वजह से वो बच्चों के लिए लिख नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। घ, नेहरू जी के मन में क्या करने की इच्छा थी? नेहरू जी के मन में बच्चों के लिए नए नए खोज कार्य करने की इच्छा थी। मैं उन स्थानों पर मेधावी बच्चों के साथ जाता जिनके मन नई नई खोज करते हुए आश्चर्य और कौतूहल से भरे होते। आगे, नेहरू जी बच्चों के साथ ही भारत दर्शन क्यों करना चाहते हैं? नेहरू जी बच्चों के साथ भारत दर्शन करना चाहते हैं क्योंकि भारत ही अपने देश का भविष्य है और भारत में जो प्राचीन परंपरा है, अरण्य है, पर्वत है, जंगल है, वृक्ष है, इनकी सैर वो बच्चों के साथ करना चाहते हैं क्योंकि वो उनका मानना है कि देश के बच्चे भावी रक्षक जो है, हमारे प्रतिभाशाली बच्चे। लिखित प्रश्न को, यह पत्र वास्तव में किसके लिए है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह पत्र भारत के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए लिखा है। ख, हमारे देश की गौरव गाथा की झलक हमें कहाँ मिलती है? हमारे भारत देश की गौरव गाथा की झलक पर्वतों, नदियों, वृक्षों, अरण्य तथा प्राचीन स्मारकों में मिलती है। ग, जीव जंतुओं के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? जीव जंतुओं के साथ हमें बड़े प्यार भरा व्यवहार करना चाहिए, उनकी शिकार नहीं करनी चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार से उनके समीप यानी नज़दीक आना है क्योंकि वे भी निडर होते हैं, लेकिन कभी कभार हम क्या करते हैं, उनके ऊपर आक्रमण करते हैं ना, इसलिए उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। घ, नेहरू जी अपने देश के बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? नेहरू जी अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि प्राचीन स्मारकों तथा भारतीय पर्वत, नदियों, सुंदर वृक्षों के पास समीप जाकर जानकारी हासिल करना, नई नई खोज करना, ये बच्चों को सिखाना चाहते हैं। आगे, पन्ना नंबर 83 पर वाक्य पूरा करने के लिए सही अंश पर सही टीका लगाए। एक, चूज द राइट आंसर टू कंप्लीट द सेंटेंस। एक, मेरे पढ़ने लिखने की
स्वतंत्रता मुझसे छीन सी गई है क्योंकि अन्य कार्य में व्यस्त होने से मैं अपनी मर्जी से लिख नहीं पा रहा हूँ। मेरे पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता मुझसे छीन सी गई है क्योंकि अन्य कार्यों में व्यस्त होने से मैं अपनी मर्जी से पढ़ लिख नहीं सकता। दो, बच्चों को तो समझदार होना चाहिए क्योंकि वे ही हमारे देश के भावी रक्षक है। इस तरह से आज हमने बच्चों के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पत्र लिखा था उसके शब्दार्थ टिप्पणी तथा पाठ बोध रूपी मौखिक लिखित प्रश्न थे। इन प्रश्नों की जानकारी आज हमने ली है। आगे की जानकारी हम भाषा ज्ञान आगे की ताशिका के समय करेंगे। यहाँ पर रुकते हम। धन्यवाद।